जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए NCL की तरफ से 2023 के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल इंडिया कोयला विभाग की तरफ से आ चुकी नई सीधी भर्ती 2023 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के नोटिफिकेशन और आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। दोस्तों, इस वैकेंसी की सबसे अच्छी खास बात है इसका वेतन, यानी कि वेतन इसमें आपको 10th पास के हिसाब से बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। 10वीं पास भर्ती है, लेकिन वेतन आपको 1500 से भी ज़्यादा दिन का देखने को मिलेगा। यानी एक दिन का अगर 1500 होता है तो महीने का आपका 45,000 से भी ज़्यादा वेतन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको बता दें, ऑल इंडिया लेवल की जॉब है। आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे। मेल एंड फीमेल, महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। 10th पास वैकेंसी है, यानी कि आप लोग केवल और केवल कक्षा 10वीं पास है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं पोस्ट नेम की, तो आपको हेम ऑपरेटर की वैकेंसियाँ मिलेंगी, जहाँ पर आपको 338 नंबर वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। आवेदन करने की आखिरी डेट आने वाली 31 अगस्त 2023 रखी गई है। आपको आखिरी डेट से पहले कैसे भी करके अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के आवेदन जरूर से कर देना है, ताकि इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर है आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आप लोग उसके लिए एलिजिबल हो जाएं। इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कंप्लीट जानकारी आगे इस वीडियो में आपको मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आगे आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। आइए ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिफिकेशन के माध्यम से कंप्लीट जानकारी को देखते हैं। दोस्तों, आवेदन करने का नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप लोग गूगल पे जाके टाइप करेंगे सरकारी जॉब TV.com या फिर सरकारी जॉब TV, आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको NCL की कंप्लीट अपडेट मिलती है। इसके अलावा आपको लेटेस्ट जॉब के सेक्शन पर भी अपडेट मिल जाएगी NCL रिक्रूटमेंट का। आपको इस पर क्लिक करके इस पर पोस्ट को ओपन करना है। इसके बाद आपको यहाँ से कंप्लीट जानकारी को रीड करना है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि NCL रिक्रूटमेंट, यहां पे आपको हेम ऑपरेटर की पोस्टें मिलेंगी। 338 नंबर वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब और 10th पास वैकेंसी है। आवेदन करने वाले की उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 30 साल की होनी चाहिए, और यहां पे आपको SC ST में 5 और OBC में 3 सालों की छूट भी दी जा रही। वेतन की बात करें तो 1,502 रुपये और 66 पैसे आपको पर डे यानी कि डेली का मिलेगा, जो कि महीने का 45,000 से भी ज़्यादा होता है। आपका सिलेक्शन CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और मेरिट के आधार पर किया जाएगा। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की, तो यहाँ पे 9 अगस्त 2023 से 31 अगस्त 2023 तक आपको आवेदन करने का समय दिया गया है। आपको हेम ऑपरेटर की वैकेंसी मिलेंगी। हेम ऑपरेटर के अंदर भी कई सारी ट्रेड्स होती हैं, जो कि आगे नोटिफिकेशन में बताएंगे। टोटल यहाँ पे आपको 338 नंबर वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। बात करते हैं एजुकेशन की, 10th पास कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है आवेदन करने के लिए। एडिशनल क्वालिफिकेशन के बारे में नोटिफिकेशन में आपको जानकारी देंगे। क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, यानी कि आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे, और मेल एंड फीमेल, महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपकी उम्र 18 से 30 साल और OBC के लिए 18 से 33 साल और SC ST के लिए 18 से 35 साल तक की रखी गई है। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन के बारे में। सिलेक्शन आपका पहला तो CBT होगा, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, और फाइनली हो सकता है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए, जहां पे आपके सभी डॉक्यूमेंट को जो है तो वेरीफाई किया जाएगा। वेतन सेम है, 1,502 रुपये और 66 पैसे, जो कि डेली का है। अप्लीकेशन फ़ीस जो कि अनरिजर्व कैंडिडेट हैं 1,180, और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं बिल्कुल फ्री में इनको आवेदन करने का मौका मिला है। ज़रूर आवेदन करें। फिजिकल के बारे में बात करते हैं, तो कोई भी फिजिकल यहाँ पर मेजरमेंट नहीं किया जाएगा। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, इसको जरूर से आप लोग देख लें। इसके बाद यहाँ पे आपको आवेदन करने का कंप्लीट प्रोसेस बताया गया है, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डेट है कब से लेकर कब तक आवेदन करेंगे, कब नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखें इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन है, जहाँ पे आपको सभी तरह के लिंक मिल जाते हैं, और यहीं पे आपको आवेदन करने का नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक भी दिया गया है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है नोटिफिकेशन के सामने, और अपने नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है किसी भी PDF फॉर्मेट में। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो नोटिफिकेशन है ओपन हो चुका है।
नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो नॉर्थर्न हो जाएगा, और यहाँ से नीचे आएंगे तो NCL यानी कि आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट की वैकेंसी है सिगरौली के अंदर, और एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जहाँ पे हेम ऑपरेटर की पोस्ट पर यहाँ पे भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। देखिए दो चीज़ें, पहला तो मेट्रिकुलेशन यानी कि आपने 10th पास करी हो, दूसरा वैलिड आपके पास HMB ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए जो कि RTA RTO से इंडियन स्टेट में इशू होना चाहिए, तो आप लोग इन स्टेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर आपका सोवेल ऑपरेटर है, डंपर ऑपरेटर है, और यहाँ पे सरफेस माइनर ऑपरेटर है, और यहाँ पे डोजर ऑपरेटर है, और यहाँ पे आपको सारी की पोस्ट ट्रेनिंग की है, और ग्राइडर ऑपरेटर है, और यहाँ पे आपको पे लोडर ऑपरेटर मिलेगा, और साथ में यहाँ पे आपको क्रेन ऑपरेटर की पोस्ट भी मिलती है, जहाँ पे टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 338 देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसीज के बारे में भी यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है, कैसे किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं, और सबसे ज़्यादा पोस्टें यहाँ पे डंपर ऑपरेटर में देखने को मिलेंगी, जहाँ पे 221 यानी कि 221 नंबर वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। कुछ पोस्टें रिजर्व होती हैं जिनका नाम पहले से ही यहाँ पे इंक्लूड किया गया, बाकी पोस्टों को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे टेबल शोइंग मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क इन मेट्रिकुलेशन टू डिफरेंट कैटेगरी, यानी कि 10वीं में कम इतने परसेंट है तभी आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। जनरल EWS के लिए 55, OBC NCL के लिए 50 और ST ST के लिए 45% यहां पे कम से कम मार्क होने चाहिए जो कि आपको आवेदन करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं तो आपको वेतन के बारे में जानकारी दी गई है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको पे लेवल में टेली का 1,502 रुपये जो कि बेसिक पे है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीटन और 3 ईयर ट्रेनिंग एंड बीइंग फाउंड सुइटेबल दे विल बी प्लेस्ड इन द रेस्पेक्टिव स्केल, और हेम ऑपरेटर यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आप जो है तो 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद सब कुछ सही पाया जाता है, आप काम करने के लिए तैयार हैं, उसके बाद आपको परमानेंट यहाँ पे पोस्टिंग करवाई जाएगी रेस्पेक्टिव ट्रेड के अंदर जो कैटेगरी डी के अंदर पोस्टें होती हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एज में यहाँ पे SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल की छूट है, बाकी 18 साल कम से कम और 30 साल अधिक से अधिक आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि कैसे यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगा, तो देखिए यहाँ पे 1,000 की फ़ीस है, 180 रुपये यहाँ पे GST लगेगा, आपको पता होगा 18% GST भी लगता है, उस हिसाब से 180 रुपये GST का और 1,000 रुपये फ़ीस का सब मिला के टोटल 1,180 रुपये आपको फ़ीस पेमेंट करनी है। बाकी अगर आप लोग ST ASM डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आप बिल्कुल फ्री में आवेदन कर पाएंगे। देन बात करते हैं यहाँ पे और भी कौन कौन सी जानकारी है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कट ऑफ मार्क के बारे में बताया गया, टेबल सो मिनिमम कट ऑफ मार्क टू क्वालिफाई इन मेरिट लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ऑल हिम ऑपरेटर जो पोजीशंस हैं 100 कॉमन कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे एग्जाम होगा, जर्नल का EWS का 50 और SC ST OBC NCL का 40 नंबर जो कट ऑफ है वो रखा गया है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपकी मेरिट बनेगी, पहला तो रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पब्लिश NCL की वेबसाइट पे होगा, ठीक है, CVT के बाद उसके बाद आपकी मेरिट यहाँ पे जनरेट की जाएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं जो फाइनल मेरिट होगी वो आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मार्क के हिसाब से ही बनेगी, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे और कौन कौन सी जानकारी यहाँ पे दी गई है, इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्लीट जानकारी देखने के बाद ही आवेदन करिएगा अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं तो। इसके अलावा आवेदन करने की डेट पे फोकस करिए, 9 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2023 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। देन यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि देखिए पोस्ट नेम है हिम ऑपरेटर की ट्रेनिंग में, जहाँ पर आपका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट बताया गया है, कितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा, कौन कौन आवेदन करेगा और बाकी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपको आना है ऑफिशियल वेबसाइट में अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं सरकारी जॉब TV की, और यहाँ पे आपको क्लिक हियर की बटन पे क्लिक करना है। आप लोग आ जाएंगे NCLCIL.in की रिक्रूटमेंट वाले पेज पे, और यहीं पे आपको नोटिफिकेशन और आवेदन करने का जो कंप्लीट रिक्रूटमेंट वाला सिस्टम है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन हिंदी इंग्लिश और अप्लाई करने का लिंक भी यहाँ पे दिया गया है। अभी आपको NCL की पेज पे क्लिक करके लॉगिन ID क्रिएट करके खुद से आवेदन करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।